हरे कृष्ण भक्तों, मधुर भक्ति गाथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बोलने जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण की व्रत कथा। लक्ष्मी नारायण व्रत कब करते हैं और इसको करने से क्या फल प्राप्ति होती है। लक्ष्मी नारायण व्रत में देवी श्री लक्ष्मी और भगवान नारायण की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। इस पूजा को करने से घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। श्री लक्ष्मी नारायण व्रत दरिद्रता को दूर करने का एक अचूक उपाय भी बताता है। इस दिन घर में पूजा पाठ के साथ साथ हवन इत्यादि अनुष्ठान भी करने से संपन्नता के द्वार खुलते हैं। लक्ष्मी नारायण पूजा कब करें? लक्ष्मी नारायण व्रत पूजन को करने के लिए सबसे उपयुक्त समय पूर्णिमा तिथि का दिन माना गया है। इसके अलावा इस व्रत को शुक्रवार के दिन या फिर रविवार के दिन भी किया जाता है। लक्ष्मी नारायण व्रत के विषय में पौराणिक ग्रंथों में विस्तार रूप से कथा एवं महत्व प्राप्त होता है। इस व्रत के बारे में नारद जी ने शौनक ऋषि से पूछा तो उस विषय में बताते हुए वह उनसे कहते हैं, हे महर्षि नारद, पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध सात्विक आचरण का नियम रखते हुए इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध साफ सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। लक्ष्मी नारायण पूजा विधि में मंदिर में देवी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की प्रतिमा अथवा चित्र को स्थापित करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को जल एवं पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। श्री लक्ष्मी और नारायण भगवान को वस्त्र एवं आभूषण पहनाना चाहिए। फूलों की माला पहनानी चाहिए। सुगंधित इत्र चढ़ाना चाहिए। देवी लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। धूप फूल से पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण पूजन समय ओम लक्ष्मी नारायणाभ्या नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण व्रत यह पूजा करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत का प्रभाव व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाला होता है। व्रत यह पूजन में रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व होता है। व्रत के अगले दिन सुबह के समय ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए एवं दक्षिणा इत्यादि देकर इस व्रत का संकल्प पूरा करना चाहिए। इस व्रत में तिल का दान भी अत्यंत महत्व बताया गया है। तिल से होम करना भी शुभ होता है। इस प्रकार सामर्थ्य अनुसार लक्ष्मी नारायण व्रत पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण व्रत की कथा। लक्ष्मी नारायण कथा अनुसार एक बार जब लक्ष्मी नारायण दोनों की महत्ता में कौन अधिक महत्वपूर्ण है इस पर बहस बढ़ जाती है, तब नारायण भगवान इस तथ्य को समझाने के लिए एक परीक्षा के आयोजन करते हैं। भगवान नारायण ब्राह्मण का भेष बनाकर एक गांव में जाते हैं और वहां के मुखिया से कहते हैं कि वह उस स्थान पर श्री नारायण का पूजन करना चाहते हैं। गांव के मुखिया उनकी बात मानकर उन्हें एक निवास स्थान देते हैं। उनके लिए कथा का स्थान का बंदोबस्त भी करते हैं। गांव के सभी लोग उस कथा में प्रतिदिन शामिल होने लगते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी अपनी स्थिति को नज़रअंदाज होते दिखाते हैं तो वह भी भेष बदलकर एक वृद्ध स्त्री के रूप में वहां पहुंच जाती हैं। एक स्त्री जो कथा में जाने के लिए घर से निकल रही होती है उससे पानी मांगती हैं। ऐसे में स्त्री उन्हें पानी पीने के लिए देती है, पर जैसे ही वृद्ध स्त्री उसे उनका बर्तन वापस करती हैं तो वह स्वर्ण धातु का हो जाता है। इस चमत्कार को देखकर वह गांव के सभी लोगों को इस बात के बारे में बताती हैं। सभी लोग कथा से उठकर
उस चमत्कार को देखने के लिए वहाँ चले जाते हैं। धन के लोभ का स्वरूप के कारण नारायण उस स्थान से चले जाने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो लक्ष्मी वहाँ आकर उन्हें अपनी महत्ता को स्वीकार करने की बात कहती हैं। श्री नारायण मान जाते हैं कि लक्ष्मी उनसे अधिक महत्व रखती हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी उनके जाते से दुखी होकर जाने लगती हैं, तो गांव के लोग उन्हें रोकने लगते हैं। इस प्रकार वह उन्हें कहती हैं कि जहाँ नारायण कथा पूजन का वास नहीं होता है, वह लक्ष्मी का भी कोई स्थान नहीं हो सकता है। जिस स्थान पर लक्ष्मी और नारायण दोनों का पूजन होगा, वही मैं स्थापित हो सकती हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण जी के समक्ष इस बात को कहती है कि आपके बिना मैं कुछ नहीं और मेरे बिना आप, हम दोनों एक दूसरे का स्वरूप ही हैं। ऐसे में जो भी भक्त लक्ष्मी नारायण रूप का एक साथ पूजन करते हैं, उन्हें सदैव लक्ष्मी और प्रभु नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लक्ष्मी नारायण व्रत के लाभ, वैभव और धन संपदा की प्राप्ति। लक्ष्मी नारायण व्रत या पूजन करने से घर में हर प्रकार की समृद्धि बढ़ती है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज इत्यादि से पीड़ित है, तो उसे इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से संयुक्त पूजन से सुख संपत्ति, धन, वैभव और समृद्धि का वरदान मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम योग बनता है, तो उनके लिए ये पूजा बहुत ही सुफल देने वाली बनती है। नौकरी और कारोबार में भी लाभ मिलता है। लक्ष्मी नारायण व्रत के करने से व्यापार में लाभ मिलता है। व्यापारियों के लिए इस व्रत को करने से उन्हें देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और उनके व्यवसाय में वृद्धि से भी होती है। जो लोग नौकरी में स्थायित्व चाहते हैं और अपने काम में प्रमोशन की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी इस व्रत को करने से लाभ मिलता है। सौभाग्य की प्राप्ति, जीवन साथी का सुख लक्ष्मी नारायण व्रत से ही मिलता है। स्त्रियों के मांगल्य सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह होने में कोई परेशानी हो रही हो, तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह वैवाहिक सुख को देने वाला होता है। लंबी उम्र, इच्छा सहित और आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आपकी कोई विशेष कामना है, तो उसी को ध्यान में रखकर पूजन का संकल्प लें। संकल्प लेकर सही विधि से पूजन और उसका समापन करें, कामना पूरी होगी। लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, अगर मेरे चैनल आपको अच्छे लगे, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।